अकस्मात घर पकड़ करके आयोजित करने के लिए तुमने बुलाया और हम चले आए। मुझे मालूम ही नहीं था, मैं कपड़े पहने हुए कपड़े जूते तो खोले ही थे, और पीछे से तो भाई राम साहब ने जो अभी कहा, ये एक ऐसा मैग्नेटिक पावर है और सुइयों को ये खींचने की शक्ति भी रखता है, विवेक भी रखता है, योग्यता क्षमताएं इसके पास में है, इसे अंतर नहीं होगा। मैं बात इतनी लंबी चौड़ी वक्ताओं की मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो सुना उसके केंद्रित होते हुए मैं अपनी बात बताऊँ। शासन का जैसा भाई अभी ब्रजमोहन ने कहा, गुलामी में पैदा हुआ मैं, अंग्रेजों की जब बारात आती थी तो लॉन्ग उंगली ओवर ग्रेशियस की बंदे मातरम की तरह हम खड़े होकर के खाते थे, लेकिन उस वक्त डिसिप्लिन था, समय की पाबंदी थी, बहुत सारी बातें उस प्रशासन में थी उस पर मैं नहीं हूँ। उसके बाद की राजाशाही आई तो हमने विक्टोरिया के लहंगे पकड़ करके सलाम करना, ACSI वगैरह की टुकड़ी लगा करके भी मैंने वो चुनाव पहला किया है जिसको सुनकर के आपको विश्वास नहीं होगा कि अब तो चुनाव जो नहीं है मशीनों के द्वारा एक ठिकाना पहुँचता है। हम गांवों गांव पेटी लेकर के वोटिंग करा करने के लिए जाते थे, और 15 गांव हमको मिलते थे तो 15 गांव की पेटियाँ इकट्ठी करा करके लेकर के आकर के फिर चुनाव की घोषणाएँ करते थे। बड़ा अंतराल है, बहुत सारी कथाएँ जुड़ी है, धर्म बदल गए, मूल्य बदल गए, विचार बदल गए, मनप बदल गए। हम चुनाव के लिए जब जाते थे तो गांव के लोग उत्साहित होकर के कोई वो अमुक गड़बे उठा करके दूध ला रहा, कोई क्या कर रहा, और इतने सेवा भावनाओं से चुनाव को महत्व देते थे, अच्छे प्रतिनिधि आते थे। प्रकार अंतर न होते हुए जिस मुद्दे पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, काफ़ी तो सुन नहीं पाए हमें, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, कई घर के कई अभिभावक कुंठाओं में, हताशाओं में, निराशाओं में दुखी होकर के पढ़े लिखे बेटों को अपनी छाती पर अभी भी